हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.4 क्लास एट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमी अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स फाइव अपॉन टू फ्रॉम एट अमीना ने एक नंबर सोचा है और उसमें से फाइव अपॉन टू माइनस किया है तो व्हाट इज़ द नंबर ये हमें फाइंड करना है तो पहले हम नंबर लेट कर लेते हैं उसके बाद इसको एक एक करके इक्वेशन uh, बनाते हैं लेट ये नंबर हमें दिया नहीं गया है कि उसने नंबर कौन सा सोचा है उसे ही फाइंड भी करना है लेट अमीना थिंक नंबर बी एक्स तो अमीना ने अगर एक्स नंबर को लेट किया हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमीना थिंग्स एंड सब्स फाइव अपू फ्राम इट इस नंबर में से फाइव अपॉइंट टू को माइनस किया एक्स माइनस फाइव अपॉइंट टू शी मल्टीप्लाईज़ द रिज़ल्ट बाई एट अब इसको उसने एट से मल्टीप्लाई कर दिया द रिज़ल्ट नाउ ऑफ टेंड इज थ्री टाइम्स द सेम नंबर शी था ऑफ उसने नंबर सोचा था एक्स तो ये रिजल्ट जो है इस एक्स का तीन गुना मीन्स थ्री एक्स के इक्वल आया है तो अमीना ने एक नंबर सोचा एक्स उसमें से फाइव पॉइंट टू को माइनस करके एट से मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया वो इस नंबर का तीन गुना है तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एट जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एट एक्स माइनस एट इंटू फाइव पॉइंट टू टू फोर जट ये कैंसिल आउट होगा एट एक्स माइनस टू फोर ज़ा एट फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी इक्वल टू थ्री एक्स थ्री एक्स इस लेफ़्ट साइड आ जाएगा माइनस थ्री एक्स ट्वेंटी उस तरफ चला जाएगा प्लस ट्वेंटी तो एट माइनस थ्री फाइव एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फ़ाइव इस तरफ इसको डिवाइड करेगा ट्वेंटी अपॉन फाइव फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी तो एक्स इक्वल टू फोर तो अमीना ने जो नंबर सोचा था वो है फोर हैंस द नंबर इज़ फोर तो ये हमारा आंसर है उसने जो नंबर सोचा था वो फोर है आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर टू अ पॉजिटिव नंबर इज़ फाइव टाइम्स अनदर नंबर एक पॉजिटिव नंबर है जो कि दूसरे नंबर का पाँच गुना है तो दूसरा नंबर हमें नहीं दिया गया तो हमें फाइंड भी करना है कि दोनों नंबर क्या होंगे तो हम पहले अनदर नंबर को लेट करते हैं लेट अनदर नंबर बी एक्स दूसरा नंबर अगर एक्स हो देन पॉजिटिव नंबर तो जो पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर नंबर फाइव टाइम्स अनदर नंबर मीन्स इस अनदर नंबर से पाँच गुना फाइव एक्स हो जाएगा ये पॉजिटिव नंबर अब आगे क्या है इफ़ ट्वेंटी वन इज एडिड टू बोथ द नंबर्स अगर इसमें और इसमें ट्वेंटी वन ऐड कर दिया जाए देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर तो एक नया नंबर दूसरे नए नंबर से दो गुना हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो इसमें है ट्वेंटी वन इज एडिड तो यहाँ पर हम दोनों में ट्वेंटी वन को ऐड कर देते हैं फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन और यहाँ पर एक्स प्लस ट्वेंटी वन क्योंकि ये नंबर इसका पाँच गुना है तो ये नंबर इससे बड़ा होगा अगर इसमें ट्वेंटी वन ऐड करेंगे और इसमें ट्वेंटी वन ऐड करेंगे तो भी ये नंबर इससे बड़ा रहेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया नंबर इससे बना है वो इस नंबर इससे बनने वाले नंबर का दो गुना होगा मीन्स टू मल्टीप्लाई देन वन ऑफ द न्यू नंबर वन ऑफ़ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ट्वाइस मीन्स दो गुना द अदर नंबर अदर नंबर ये वाला है जो कि एक्स से बना था तो अब ये इक्वेशन बनी है जिसको सॉल्व करना है तो फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एक्स प्लस फोर्टी टू फाइव एक्स टू एक्स इस तरफ आकर माइनस होगा और ट्वेंटी वन दूसरी तरफ राइट साइड जाकर माइनस होगा फाइव माइनस टू थ्री एक्स यहाँ पर फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन तो थ्री इसको डिवाइड करेगा तो एक्स की वैल्यू आएगी सेवन अब एक्स की इस वैल्यू को पुट करेंगे हैंस अनदर नंबर अनदर नंबर था एक्स जो कि सेवन आया है एंड पॉजिटिव नंबर और जो एक और नंबर था जिसको पॉजिटिव नंबर लिखा गया था वो फाइव एक्स है फाइव मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू सेवन पुट करेंगे थर्टी फाइव तो ये हमारे दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स हैं नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ नाइन एक टू डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स तो को प्लस करने पर नाइन बनता है जैसे कि फिफ्टी फोर है तो इसके दोनों डिजिट्स फाइव और फोर को प्लस करने पर नाइन बनता है और अगर फिफ्टी फोर को लिखना हो एक्सप्लेन करके तो ऐसे लिखेंगे टेन इंटू फाइव प्लस फोर टेन फाइव फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी फोर तो इसका यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे सम ऑफ़ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ नाइन व्हेन वे इंटरचेंज द डिजिट अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट्स को मींस फोर्टी फाइव हो गया अभी ये. फोर इधर आ जाएगा फाइव इस तरफ आ जाएगा देन इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय ट्वेंटी सेवन तो जो नया नंबर है वो उस नंबर से ट्वेंटी सेवन अधिक हो जाएगा तो वाट इज द टू डिजिट नंबर तो ये टू डिजिट नंबर है क्या तो यहां पर हम लेट करते हैं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट क्योंकि टू डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों डिजिट होंगे यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ आ टू डिजिट नंबर बी एक्स तो हम लेट करते हैं कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो एक्स है देयर फोर द टेंस प्लेस डिजिट तो टेंस प्लेस डिजिट कितना होगा इक्वल टू नाइन माइनस एक्स क्योंकि दोनों डिजिट्स जो हैं उनको प्लस करने पर नाइन बनता है जैसे कि फोर्टी फाइव है फोर प्लस फाइव इक्वल टू नाइन अगर एक नंबर फोर है मीन्स ये फाइव है तो यूनिट प्लेस डिजिट एक्स है मीन्स फाइव है अगर दूसरा नंबर पाना हो तो नाइन में से फाइव को माइनस कर देंगे फोर आएगा तो नाइन माइनस एक्स तो टेंस प्लेस डिजिट हो गया बिकॉज टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट टू डिजिट नंबर को अगर एक्सप्लेन करके लिखना हो एक्सपेंड करके लिखना हो तो टेन मल्टीप्लाई टेन प्लेस डिजिट प्लस वन मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट एक्ज़ाम्पल जैसे कि फोर्टी फाइव को ही लिखना हो तो फोर मल्टीप्लाई टेन यहाँ पर टेन मल्टीप्लाई टेंस प्लेस टेंस प्लेस पर फोर है फोर को टेन से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस डिजिट जो कि फाइव है टेन जा फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव बनेगा तो इस टू डिजिट नंबर को इस तरह से लिखा जाता है तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा ओरिजिनल नंबर इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई नाइन माइनस एक्स क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट नाइन माइनस एक्स है तो टेंथ से मल्टीप्लाई ये होगा और एक्स इसमें ऐड हो जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर नया नंबर जो है वो इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर बनता है मींस यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पे आ जाएगा टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पर तो ये इस तरह से बनेगा टेन एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स तो यहाँ पर ये न्यू नंबर बन गया ओरिजिनल नंबर जो है उसका जो नया नंबर मींस उसको ऑर्डर रिवर्स करने पर तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे on reversing the order तो ऑर्डर रिवर्स करने पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे टेन एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स तो ये ऑर्डर रिवर्स करने पर ये नया नंबर बन जाएगा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि जो नया नंबर बना है जो कि रिवर्स ऑर्डर करने पर बना है टेन एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स ये नया नंबर जो है इक्वल टू पुराना नंबर ये पुराना नंबर है नाइन माइनस एक्स प्लस एक्स जो कि ओरिजिनल नंबर है इससे ट्वेंटी सेवन मोर है मींस अधिक हैं तो एक बार फिर इतनी कंडीशन को समझ लेते हैं ओरिजिनल नंबर था टेन नाइन माइनस एक्स प्लस एक्स तो जब हम इसका ऑर्डर रिवर्स करने करेंगे यूनिट को और को यूनिट पर लाएंगे तो ये नया नंबर बनेगा न्यू नंबर बनेगा इधर आ गया माइनस क्वेश्चन चला, चला तो के अकॉर्डिंग ये जो नया नंबर बना है ये इस ओरिजिनल नंबर से ट्वेंटी सेवन अधिक है प्लस ट्वेंटी सेवन अगर इसमें कर देंगे तो ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं टेन एक्स माइनस एक्स नाइन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू नाइंटी माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन नाइन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू वन सेवेंटीन माइनस नाइन एक्स विच इम्प्लाइज यहाँ पर नाइन और नाइन एटीन एक्स बनेगा एटीन एक्स इक्वल टू ये उसमें से माइनस होगा वन हंड्रेड एट डिवाइड करेंगे वन हंड्रेड एट को एटीन से तो आएगा सिक्स एक्स की वैल्यू सिक्स आई है हैंस टू डिजिट नंबर जो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर है वो था टेन इंटू नाइन माइनस एक्स प्लस एक्स तो इसमें एक्स की वैल्यू सिक्स पुट कर देंगे नाइन माइनस सिक्स प्लस सिक्स सिक्स और ये नाइन माइनस होकर थ्री बनेगा थर्टी थर्टी प्लस सिक्स थर्टी सिक्स तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो थर्टी सिक्स आ गया आगे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज माहौली विलेज में स्कूल uh, के लिए रिज़र्व किया गए हैं द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो इलेवन रेशो फोर तो लेंथ और ब्रेथ की रेशो दी गई है इलेवन रेशो फोर एट द रेट ऑफ रुपीज़ हंड्रेड पर मीटर एक मीटर का हंड्रेड रुपीज़ अगर खर्च होता हो इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज़ सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू फेंस द प्लॉट तो विलेज पंचायत को सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ खर्च करने होंगे उसकी बाउंड्री के लिए वट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट तो प्लॉट की डायमेंशंस क्या होंगी मीन्स लेंथ और ब्रेथ क्या होगी तो लेट करते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी इलेवन एक्स एंड फोर एक्स रिस्पेक्टिवली क्योंकि ये इलेवन रेशियो फोर में दिया गया है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को हम लेट करते हैं इलेवन एक्स एंड फोर एक्स रिस्पेक्टिवली देर फोर ऑफ प्लॉट पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग करनी है उसको तो उसका पैरीमीटर आएगा फेंसिंग मतलब चारों तरफ ये रेक्टेंगल है चारों तरफ बाउंड्री करनी है तो इसमें फेंसिंग के लिए इसको जो है इसका पैरीमीटर आएगा पैरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट जितना खर्च आया है मीन सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड कॉस्ट ऑफ वन मीटर एक मीटर का जितना खर्च है वो लगेगा तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल कॉस्ट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड करेंगे कॉस्ट फॉर वन मीटर हंड्रेड रुपीस। तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट होके सेवन फिफ्टी मीटर तो ये पेरीमीटर ऑफ प्लाट हो गया पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू सेवन फिफ्टी मीटर तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू टू एल प्लस बी तो हम जानते हैं कि पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल होता है टू इंटू एल प्लस बी तो पैरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू टू एल प्लस बी पैरीमीटर का फॉर्मूला इक्वल टू सेवन हंड्रेड फिफ्टी मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पर लेंथ है इसकी इलेवन एक्स प्लस ब्रेथ है फोर एक्स इक्वल टू सेवन फिफ्टी इलेवन फोर फिफ्टीन एक्स ये टू इसको डिवाइड करेगा सेवन फिफ्टी अपॉन टू ये आएगा थ्री सेवेंटी फाइव तो अब फिफ्टीन उसको जाकर डिवाइड करेगा एक्स इक्वल टू थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव एक अपॉन फिफ्टीन तो ये आएगा ट्वेंटी फाइव तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव मीटर मीटर तो लेंथ आ जाएगी इसकी आगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू इलेवन एक्स इलेवन एक्स एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव फुट करेंगे तो ये आएगा टू सेवेंटी फाइव मीटर फिर है ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ब्रेथ है इसकी फोर एक्स फोर इंटू एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू हंड्रेड मीटर तो ये था हमारा आंसर लेंथ आई है इसकी डायमेंशंस मींस लेंथ और ब्रेथ डायमेंशन में लेंथ आई है टू सेवेंटी फाइव ब्रेथ आई है हंड्रेड मीटर आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेन हसन बायस टू काइंड ऑफ क्लोथ हसन ने दो तरह के कपड़े खरीदे हैं फॉर स्कूल यूनिफॉर्म एक शर्ट मटेरियल है जिसकी कॉस्ट पचास रुपये पर मीटर है और एक ट्राउजर मटेरियल है जिसकी कॉस्ट नब्बे रुपये पर मीटर है फॉर एवरी थ्री मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल तीन मीटर शर्ट मटेरियल ही बाइस टू मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल शर्ट अगर तीन मीटर खरीदता है तो हर एक तीन मीटर पर दो मीटर ट्राउज़र के लिए खरीदता है ही सेल्स द मटेरियल एट ट्वेल्व परसेंट एंड टेन परसेंट प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली अब इसको वो ट्वेल्व और टेन परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है हिज टोटल सेल इज़ रुपीज़ थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो टोटल सेल उसकी इतनी हुई है हाउ मच ट्राउजर मेटीरियल डिड ही बाय तो कितने रुपए में उसने ट्राउजर मटीरियल जो है वो खरीदा था तो लेट करते हैं लेट लेट द रेशो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल बी थ्री एक्स रेशियो टू एक्स क्योंकि हमें दिया गया है कि तीन मीटर शर्ट के लिए वो दो मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है तो ये एक तरह से रेशो के जैसा ही है तो इसको हम रेशो की तरह लेट करते हैं थ्री एक्स एंड टू एक्स द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू फिफ्टी इंटू थ्री एक्स वन फिफ्टी एक्स शर्ट मटेरियल का कॉस्ट है यहाँ पर फिफ्टी जैसा कि यहाँ पर दिया गया है शर्ट मटेरियल का कॉस्ट है फिफ्टी रुपीज़ पर मीटर तो फिफ्टी इंटू थ्री एक्स तो टोटल वन फिफ्टी एक्स इसकी कॉस्ट बन गई और अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ एट ट्वेल्व परसेंट गेन क्योंकि उसको ट्वेल्व परसेंट का गेन हुआ है ट्वेल्व परसेंट का गेन हुआ है शर्ट मटेरियल पर तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ फार्मूला लिख देते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन हंड्रेड तो ये फार्मूला होता है तो सेलिंग प्राइस एट ट्वेल्व परसेंट प्रॉफिट गेन तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस है वन फिफ्टी एक्स हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ट्वेल्व परसेंट अपॉन हंड्रेड तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया फिफ्टीन एक्स और ये मल्टीप्लाई में हंड्रेड प्लस ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन टेन तो ये फ़ाइव टू 10 टेन बनेगा तो फिर से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी हमारे पास बचेगा वन सिक्सटी एट एक्स तो ये सेलिंग प्राइस हो गया एट ट्वेल्व परसेंट गेन इसके बाद है द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ट्राउज़र मटेरियल का कॉस्ट है नब्बे इंटू टू एक्स नाइंटी इंटू टू एक्स क्योंकि ये नाइन्टी रुपीस पर मीटर के हिसाब से और टू एक्स ख़रीदना है इतने मीटर तो 90 इंटू टू एक्स वन एटी एक्स ये कॉस्ट बन जाएगी इस मटेरियल की सेलिंग प्राइस एट टेन परसेंट गेन अब इस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है तो इस पर टेन परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज टेन अपॉन हंड्रेड तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया एटीन एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पर ये वन हंड्रेड टेन बनेगा अपॉन टेन ज़ीरो से फिर ज़ीरो कैंसिल इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आएगा वन नाइनटी एट एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वन सिक्सटी एक्स इन दोनों मटेरियल को प्लस करके उसको प्रॉफिट बन रहा है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का मीन्स वन सिक्सटी एट एक्स प्लस वन नाइन्टी एट एक्स दोनों सेलिंग प्राइस जो हैं दोनों को प्लस करके टोटल सेलिंग प्राइस है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम आगे तो ये बनेगा थ्री सिक्सटी सिक्स एक्स इक्वल टू थ्री सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एक्स इक्वल टू थ्री सिक्सटी सिक्स हंड्रेड अपॉन थ्री सिक्सटी सिक्स तो ये आ जाएगा हंड्रेड मीटर तो नाउ ट्राउज़र मटेरियल ट्राउज़र मटेरियल जो है यहाँ पर टू एक्स था टू इंटू एक्स एक्स की वैल्यू हंड्रेड टू इंटू हंड्रेड इक्वल टू टू हंड्रेड मीटर तो ये हमारा आंसर है ट्राउज़र मटेरियल जो है वो कितने रुपए में जो है ख़रीदा गया था तो इसको यहां पर लिख दिया गया टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड मीटर तो स्टूडेंट्स आगे हमारा क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एट हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डीर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डीर हार्ड मतलब कि झुंड झुंड किनका है डीर हिरण हीरन का हिरणों का झुंड है ये जो कि एक फील्ड में घास चर रहा है एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नीयर बाय तो एक झुंड का आधा हिस्सा मीन्स आधे हिरण जो हैं वो फील्ड में घास चढ़ रहे हैं तीन बटे चार तीन चौथाई हिस्सा जो है हिरणों का वो पास में खेल रहे हैं द रेस्ट नाइना ड्रिंकिंग वाटर बाकी के नौ बचे हुए पानी पी रहे हैं एक तालाब में फाइंड द नंबर ऑफ डीर इन द हार्ड तो उस झुंड में कुल कितने हिरण हैं ये हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लेट करते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डीर कुल कितने हिरण हैं ये झुंड में उसको हम लेट करते हैं इन द डर इन द हर्ड बी एक्स तो इस हर्ड में एक्स नंबर ऑफ डीर्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ डीर्स हैं मीन्स हिरण हैं कितने हैं एक्स हैं तो इसमें से आधे जो हैं मीन्स एक्स पॉइंट टू ये घास चर रहे हैं एक फील्ड में प्लस अब बचे कितने टोटल एक्स थे x पॉइंट टू निकल गए तो बचे एक्स माइनस एक्सो पॉइंट टू इतने हिरण में से इतने हिरण जो है घास चर रहे हैं तो बाकी बचे कितने इतने हिरण अब इस इतने में से भी जो हैं तीन चौथाई थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं पास में खेल रहे हैं तो अब जो है आगे द रेस्ट नाइन बाकी नौ हिरण और बचे हैं जो कि पानी पी रहे हैं तो इन तीनों को प्लस करके ये टोटल नंबर ऑफ डीर टोटल कितने हिरण हैं ये आ जाएगा टोटल एक्स हिरण हैं उसके आक, हाफ मीन्स एक्स अपॉन टू इतने हिरण जो हैं वो घास चर रहे हैं बाकी बचे कितने x माइनस एक्स अपॉन टू इसका तीन चौथाई हिस्सा जो है वो पास में खेल रहा है खेल रहे हैं इतने हिरण तो ये बन जाएगा थ्री अपॉन फोर एक्स तो बाक़ी इसमें से आ, नौ हिरण जो हैं वो पानी पी रहे हैं तो अब इसको इसको हम सॉल्व करते हैं तो x ओ टू इस तरफ आ जाएगा x माइनस एक्स अपॉइन्ट टू इक्वल टू थ्री अपॉइन फोर यहाँ से एलसीएम लेंगे इसको टू टू एक्स माइनस एक्स टू एलसीएम आया है टू एक्स माइनस एक्स प्लस नाइन ये एक्स ओ टू इस तरफ आ गया है तो यहाँ भी एल्सीम लेंगे टू एक्स माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई टू माइनस वन वन एक्स अपॉन टू प्लस नाइन अब ये टर्म इस तरफ आ जाएगी और यहाँ पर टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स अपॉन टू यहाँ पर थ्री एक्सॉइन एट जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया इक्वल टू में नाइन तो यहाँ पर एलसीएम आएगा एट तो एट एल सी एम आया टू फोर ज़ा एट फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इक्ल टू नाइन फोर एक्स माइनस थ्री एक्स वन एक्स अपॉन एट इक्वल टू नाइन अब एट उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एट नाइन ज़ा सेवेंटी टू टोटल सेवेंटी टू आए हैं सो टोटल नंबर ऑफ डीर डर इन दर्ड इज़ सेवेंटी टू टोटल ये सेवेंटी टू हिरण हैं इस पूरे झुंड में